नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के चलते प्रत्याशियों की तरफ से लगातार जनसभाएं की जा रही है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा 176 में बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत ने आज जनसभा का आयोजन किया, जिसका संबोधन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की तरफ से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कमल के फूल पर बटन दबाकर मोहनलालगंज के बीजेपी उम्मीदवार अमरेश कुमार रावत को जिताने की अपील की। 2022 के विधानसभा के चुनाव के चलते सभी विधानसभा में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस रखी है, जिसके चलते सभी उम्मीदवार अपने अपनी जोर तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। ऐसे ही आज हम लखनऊ की विधानसभा मोहनलालगंज में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर उनका एक जनसभा का कार्यक्रम था। आखिर किस तरीके का कार्यक्रम था, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो अमरेश जी, ये बताइए कि आज जो आपने यहाँ पे जनसभा का कार्यक्रम किया गया, ये किस तरीके से कार्यक्रम किया गया था? ये हमारे माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के माननीय राजनाथ सिंह जी आए हुए थे और 176 मोहनलालगंज विधानसभा के लिए मुझे आशीर्वाद दे के जनता से अपील करके गए कि इन्हें जिताना है, कमल के फूल पे सबको वोट देना है, ये अपील करने आए थे। और जनता पूरी पक्ष में है और माने जी का भी आशीर्वाद है और ये सीट पूरी जीत लेंगे, अच्छी वोट से जीतेगी ये, हम नहीं जनता जीतेगी। जनता पूरी जो है इस मूड में है, जो अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक की इस विधानसभा में कमल नहीं खिला है, इस बार प्रत्येक जनता के मन में और दिल में है, कमल खिला के ही मानेंगे, कमल खिला के ही मानेंगे। जैसा भी आज राजनाथ सिंह जी यहाँ पर भी मौजूद थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया था, उसके चलते आपको क्या लगता है कि आप काफी लंबे समय से यहाँ पे जनता के बीच में अपनी शिरकत भी कर रहे हैं, उसके चलते आपको किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? हाँ, बहुत लंबे समय से हम लगे रहे, पिछली बार भी काफी जनता पक्ष में थी 2017 में, लेकिन किसी कारणवश 2017 में ये सीट अलायंस में छोड़ दी गई और अलायंस में ऐसे व्यक्ति के नाम छोड़ी गई आर के चौधरी, जिससे इस क्षेत्र की जनता नफरत करने लगी थी। वो तीन बार मंत्री भी रहे, विधायक रहे, लेकिन संतोषजनक जनता के बीच में काम करने का काम नहीं किया, इसलिए बहुत नफरत थी, लोगों के अंदर बड़ी गुस्सा आक्रोश था, इसलिए पिछली बार सीट हाथ से निकल गई। और इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने कमल के रूप में कैंडिडेट दे दिया है, प्रत्याशी के रूप में कमल के फूल दे दिया है, तो इसलिए जनता बहुत खुश है। पिछली बार की तकलीफें इस बार उसकी भड़ास पूरी निकालने के मूड में है और 2022 में 23 तारीख को भारी बहुमत के साथ कमल का बटन दबा करके भारी से भारी बहुमत से विजय बनाने का मतपेट का मैं अपना मतपेट पेश कर देंगे, ये जनता के मूड में है। बाकी अभी 23 तारीख में अभी बहुत समय है, तो अभी आपको काफी कुछ काम करने रहेंगे, तो अब आगे आपकी क्या क्या प्राथमिकता में आपने काम रखे हैं? काम हमने जनता के बीच में रखा है कि सबसे पहले विधानसभा में एक कन्या डिग्री कॉलेज और जो रोडें अधूरी पड़ी हैं उन रोडों को बनाने का काम करेंगे। खास करके एक रोड हमारे गंगागंज से नगराम रोड बहुत गड़बड़ पड़ी हुई है, उसको मैंने जनता से वादा किया है 6 महीने के अंदर अंदर उसको बनवा देंगे। और जो जनता में सबसे बड़ी खुशी है, जो हमारा मेल व्यवहार है एक भाई के रूप में एक बेटे के रूप में, मैंने ये वादा किया है कि आप विधायक बना के भेजेंगे और हम आपके बीच में विधायक नहीं, आपके बेटे और भाई के रूप में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, आपके जेब का विधायक रहूँगा, आपको कभी अंतर और दूरी महसूस नहीं होती होने देंगे, ये हमारा वादा है। शुक्रिया। तो लखनऊ की विधानसभा मोहनलालगंज से अमरेश कुमार रावत हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने आज मोहनलालगंज में एक जनसभा का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर उनको समर्थन देने के लिए आए थे, उनके लिए वोट मांगने की अपील करने आए थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।